हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि CBSE ने सीनियर क्लासेज के लिए अपना सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया है, और ये भी पता चल गया होगा कि सिलेबस कुछ हद तक रिड्यूस भी हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स की। फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से चेंजेज हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट दैट कि जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो है अकॉर्डिंग टू बुक NCERT। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में से एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है गॉस लॉ की जो लास्ट एप्लीकेशन थी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ओके, उसको हटा दिया गया है। साथ साथ मैं पेज नंबर बताता जाऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। उस पेज पे जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको नहीं करनी है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इस चैप्टर में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेरा फेवरेट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगेन मेरे फेवरेट टॉपिक्स फिर से डिलीट कर दिए हैं CBSE ने, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और उसी के साथ जो कार्बन कलर कोड फॉर रजिस्टर्स वाला जो टॉपिक था उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें से भी एक ही टॉपिक जो है वो डिलीट हुआ है, वो टॉपिक है हमारा सभी का फेवरेट, साइक्लोट्रॉन। ऐसा क्यों किया भैया, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट भी था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5th, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इस चैप्टर में से एक बड़ा चंक जो है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है CBSE ने। क्या क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल वाला जो पोर्शन था सारे का सारा वो रिमूव हो गया है। मैग्नेटिक डाइपोल के साथ रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलते थे, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वो सभी जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। इसके साथ जो लास्ट पोर्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें आप पढ़ते थे डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उन वो भी डिलीट हो गया है, उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, दे ऑल गॉट डिलीटेड। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6th, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 7th, अल्टरनेटिंग करंट्स। हाँ जी, अल्टरनेटिंग करंट्स में से एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो डिलीट हुआ है, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के साथ वाटलेस करंट एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8th, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो चैप्टर पहले इत्तू सा था अब उसको और इत्तू सा कर दिया गया है, इत्तू सा कर दिया गया है। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पहले ही बहुत छोटा चैप्टर था उसको और छोटा कर दिया है CBSE ने। टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट करंट और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो पूरे का पूरा पोर्शन था उसको निकाल दिया गया है। रिफ्लेक्शन के साथ जो जो भी था, मिरर्स वगैरह, सारा कुछ वो डिलीट हो गया है। इसी के साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसको भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10th, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वाला आपका पोर्शन था वो पूरा डिलीट हो गया है। उसमें पोलराइड, ब्रिवस्टर्स एंगल, लॉ ऑफ मैलेस, सारा कुछ ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11th, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में से भी एक टॉपिक जो है वो लास्ट वाला डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12th, एटम्स। एटम्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारे का सारा सेम है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13th, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में से भी एक काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है उसको डिलीट कर दिया गया है, जिसमें से मेन है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के साथ जितना भी जो टॉपिक्स आते थे, अल्फा, बीटा, गैमा, डीके, साथ उनकी प्रॉपर्टीज, हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ, वो सभी डिलीट हो गए हैं। इसी के साथ
बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स, तो कर्व जो थी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, उसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। इसके बाद लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लास्ट ईयर काफी छोटा हो गया था, उसको भी और भी छोटा कर दिया है सीबीएसई ने। टॉपिक डिलीट हुआ है जिनर डायोड, जिनर डायोड और उसके साथ रिलेटेड जो जो चीज़ें थी, जिनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो भी डिलीट हो गई हैं। इसके साथ ये तो थे थ्योरी पार्ट। अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर में प्रैक्टिकल में आपके दो तीन पोर्शन जो होते थे, एक तो होते थे एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज और साथ होता था प्रोजेक्ट वर्क, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो उस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया गया है, अब आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइल या फिर मॉडल नहीं बनाना होगा। इसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटीज सारी की सारी डिलीट कर दी गई हैं। एक्सपेरिमेंट्स पहले 15 हुआ करते थे, फिर 12 हो गए और इस बार एक्सपेरिमेंट्स होंगे सिर्फ 8 और वो भी मोस्ट प्रोबेबली जो हैं वो स्किल बेस्ड होने वाले हैं। तो ये थी अपडेशन ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास प्लस टू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।